ये आपने क्या पहना है, दिखाओ ना एक बार, दिखाओ ना प्लीज, दिखा दो ये क्या है। ये आपका? ये मेरा। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे जो ना छूटे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जुतिया का व्रत, जिसके लिए हम लोग व्रत का कहते हैं ना कि एक सुबह मॉर्निंग में कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर हम कुछ खाते पीते नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी 2:15 का टाइम हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कि ब्रश कर लो। मम्मी भी नीचे गई थी ब्रश करने के लिए, तो यहाँ पे मैं भी ब्रश कर रही हूँ। और ना बहुत अजीब सा लग रहा था इतनी सुबह, मतलब ये क्या रात ही है एक तरह से, ब्रश करना बहुत ऑड लग रहा था। तो फिर थोड़ा सा मैंने अपने बाथरूम की जो विंडो है उसे खोला, थोड़ी सी ताज़ी हवा ली, उसके बाद ब्रश करके मैं नीचे जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ब्रश कर चुकी थी, और जो मम्मी ने चील सी आर के खाने के लिए उठपन बनाया था ना, मम्मी वो ले जा कर के चील सी आर को देने जा रही थी। और साथ के साथ अगर आप किसी को खिलाते हैं तो पानी भी ज़रूर देना होता है, तो उसके लिए मम्मी पानी भी लेके जा रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। सो आज है जुतिया का व्रत। तो अभी आज है जुतिया का व्रत, तो अभी हम लोग उठे हैं सरगी के लिए। सो मैं और मम्मी उठे हैं, 2:30 बज गए थे जब हम उठे थे, तो 2:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद हमने ब्रश किया, और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे चाय बना रही हूँ। एक सेकेंड, मेरे चाय सारे बॉईल दे दिए। सो आज है जुतिया का व्रत, तो अभी मैंने और मम्मी ने जुतिया का व्रत रखा। तो मेरी जो है ना, क्या लड़का क्या लड़की किसी एक के लिए नहीं, ये माँ जो होती है अपने बच्चे की लंबी आयु स्वस्थ आयु के लिए ही व्रत रखा। मम्मी ने यहाँ पे जो जूतियाँ होती है ना हमारे, जो गोल्ड की जूतियाँ, एक मम्मी की और एक मेरी है, उसको मम्मी ने हल्दी और गंगा जल से धो दिया था ताकि वो शुद्ध हो जाए, साफ़ हो जाए। और उसके बाद मम्मी के पास ये मम्मी की चांदी की जूतियाँ है, जिसको मम्मी हर साल नए धागे में पिरोती है, जो असली जूतियाँ होती है। ये जो मम्मी ने हाथ में रेड कलर का धागा लिया है ना, यही जूतियाँ होती है, इसको हर साल पहना जाता है और ये हर साल चेंज किया जाता है। बाकी गोल्ड का तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मम्मी अपना इसको भी गंगा जल से अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद फिर इसमें पिरो के हर साल मम्मी कथा सुनती हैं, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को पहनाती हैं, फिर मम्मी बाद में पहनती हैं। ये हर एक माँ करती है, और जो भी जूतियाँ का फास्ट रखते हैं वो। और मम्मी ने मुझे एक चीज़ और बताई कि ये जो जूतियाँ थी ना, आज से मम्मी ने 24-25 साल पहले ली थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये की थी, सिल्वर की भी हैगी। फिर यहाँ पे मैंने अपने हाथों में थोड़ा टाइम पास करने के लिए मेहंदी लगा ली, कि चलो आज तो कुछ काम ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी, ये देखिए। और मेरे मेहंदी का डिज़ाइन आप लोग देखना और मुझे बताना कि कैसा लगा। आगे पीछे एक हाथ की मेहंदी का डिज़ाइन मेरा हो गया कंप्लीट। और ये देखिए, अब मैं आप लोगों को अपना मेहंदी का डिज़ाइन दिखा रही हूँ। एक सेकंड, इस साइड से सही से दिख नहीं रहा है। फिर मैंने अपना आपको बैक का डिज़ाइन दिखाया, जो कि मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा सा नहीं टूट रहा था, मतलब ड्राई हो गया था ना, कम्प्लीट हो गया था। तो आगे का मैंने बहुत देर के बाद लगाया था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बस लगा लिया, मैंने रखी थी मेहंदी। तो ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन लगाया था, हालाँकि कुछ खास है नहीं मुझे पता है, बट मैंने बस रखी थी मेहंदी तो लगा ली ऐसी। 1 से 2 घंटे मैंने मेहंदी रखी, उसके बाद मैंने उसे रिमूव कर दिया, मेरा मन नहीं रहा ज़्यादा देर रखने का। और फिर मैंने सोचा कि चलो शाम होने से पहले, मैं नहाने से पहले एक बार ना नेल पेंट लगा लेती हूँ, वरना फिर नहाने के बाद रेडी होते हैं ना तो नेल पेंट इधर से उधर हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं नीचे आ गई थी रूम में, क्योंकि ऊपर वाले रूम में सब लोग सो रहे थे, और मैं यहाँ पर लगाने लग गई नेल पेंट।
ये नेल पेंट ना काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो ना ड्राई ड्राई सी हो रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी। बस मैंने जैसे तैसे लगा ली। जब मैं अपने पैरों में लगा रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। एक तो पंखा चल रहा था ना, इस वजह से भी बहुत वैसा हो रहा था। तो मैं गई फटाक से ऊपर और अपना थिनर जो है वो मैंने नेल पेंट की सीसी में डाला, कुछ बूंद, 4 से 5 बूंद डाला, उसको अच्छे से शेक किया। उसके बाद जब मैंने लगाया ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लग गई थी। और फिर इसी तरीके से आप लोग भी करा करिए। अगर आपकी नेल पेंट सूख जाती है ना, तो आप उसमें हल्का सा डालिए थिनर और उसके बाद फिर उसको लगाएंगे ना जब आप, तो बहुत ईजिली ऐसा लगेगा जैसे न्यू अभी आप नेल पेंट खरीद के लेके आए हैं। बस उस तरीके से फिर मैंने किया, तो देखिए एकदम बढ़िया चकाचक लग गई मेरी नेल पेंट। और फिर मैं उसके बाद फिर 1 घंटे बाद मैंने थोड़ा सा बैठी, इधर उधर फ़ोन वोन चलाया, फिर मैं थोड़ी देर के बाद जाके नहाने चली गई थी। तो गाइस जस्ट मैं भी नहा करके आई हूँ और ये देखो मेरी मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके से आया है। तो अभी मैं नहा करके आई हूँ, मैं चाह रही थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, उसके बाद फिर हम लोग कथा सुनेंगे। तो मिलती हूँ अभी आपसे रेडी होकर के मैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मल जैसे मैं रोज़ रेडी होती हूँ। बस यही है कि मैंने थोड़ी सी चूड़ी चेंज करी है और अपना ये न्यू सूट पहना है। सो चलते हैं अब कथा सुनने के लिए, देखते हैं नीचे कैसे क्या शेड्यूल है। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं घर में ही कथा सुनती हूँ, अपने फ़ोन पे ही सुनती हूँ, तो वहीं सुनेंगे अब। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक देखिएगा। जैसे तुमने देखा बस वैसे ही लोग देख रहे हैं। बैंगन चला दे। मैं देखो कि नहीं तरक्की कर रही है ना, जिन्हें तरक्की देखने में था बाता तरह किसको दिखाती है। दो आदमी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, वही जगह ऐसी देख रही है वीडियो बना रहा है। क्यों क्या सच्चाई है ऐसी तो? अबे नीचे खेल तो बस इसी तरीके से हम लोग अपने घर में कथा सुन लेते हैं मोबाइल पे। जो हमारे तोरी के पत्ते होते हैं ना, उसको मम्मी लेके आती है, उस पर मम्मी हमारे जो गोल्ड की जूतियां हैं और जो धागे की जूतियां होती हैं, मम्मी वो दोनों को अच्छे से गंगा जल से साफ़ करके रख लेती हैं और वहाँ पे कुछ भी मीठा प्रसाद में और थोड़े से पैसे जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से वहाँ पर रख के। और एक सिर्फ सिंदूर रहता है जो कि एकदम साफ़ सिंदूर था वो, और वो कलर उसका थोड़ा अजीब सा था, मैंने पहले देखा नहीं था वो कैसा कलर है क्या है। और इतने में ना मेरा बाबू, अभी हम लोग कथा ही सुन रहे थे तो बाबू भी आ गया था बलून लेकर के। तो उसको मैंने बोला कि थोड़ी देर आप हमारे साथ बैठो, पूजा करो और जो बलून है वो डैडी को दो। तो जब तक वो वहाँ पर देख रहे थे, कथा हमारी पूरी हो गई थी, सुन ली थी। उसके बाद मम्मी ने यहाँ जो बोतल है ना उसमें गंगा जल रख रखा हम लोगों ने, तो उस गंगा जल से मम्मी ने चारों तरफ अपने चारों तरफ जैसे जल देते हैं वैसे किया मम्मी ने। और फिर नमस्कार किया, गोड लगा अपने भगवान को। और उसके बाद फिर मम्मी ने बोला अब आप भी कर लो इस तरीके से। तो मैंने भी पूछा कि मैं भी गंगा जल कर दूँ पहले कि ऐसे ही करूँ, तो मम्मी ने बोला गंगा जल मैंने कर दिया है, तुम बस ऐसी सिंदूर जो है वो 5 जगह पर ऐसी मतलब टीका सा लगा दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, इससे पहले मैंने किया नहीं था। जब भी किया था वो आंटी के घर पर हम कथा सुनने चले जाते थे, वहाँ पे कर लिया करते थे। तो ये बस नया पैक ही खोला था और इसका कलर ना सिंदूर का गुलाबी सा था, इसलिए थोड़ा ये होता है ना कि लाल पीला होता है सिंदूर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टीका लगाया और मम्मी उस तरफ देख रही थी, बात कर रही थी, तो मेरे नहीं समझ में आया। फिर मैंने मम्मी से दोबारा पूछा तो मम्मी ने बताया कि 5 जगह पर ऐसे छोटा छोटा टीका जो है वो लगा दो, तुमको 5 जगह करना है तो थोड़ा सिंदूर और चाहिए। इसलिए मैं बाउल में उसको अलग से निकाली और मम्मी ने जैसा बोला मैंने वैसा किया। सबके यहाँ पे अपना अलग अलग रिचुअल है, हमारे यहाँ पे इसी तरीके से ऐसा होता है, तो मैं इसी तरीके से फॉलो कर रही हूँ। और फिर अपने भगवान को गोद लगने के बाद फिर मैं अपने से बड़ों के जैसे कि मेरी सासू माँ है और मम्मी है उन सबके किया, जो सिंदूर हमने लगाया पहले जूतिया माई को, उसके बाद फिर मैं अपने ही मांग में लगा रही। पूछ रही थी मैं मोना से साय से कि ये मेरी सीधी मांग में जा रहा है ना, कि मतलब पता चला अलग से जा रहा है तिरछा सा, तो कह रही नहीं सीधी मांग में ही है।
दिख नहीं रहा था, बिना मिरर के किया था तो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे 5 बार जो सिंदूर है वो मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी के पैर छुए, फिर उसके बाद मैं गई अपने देवता के पैर छूने के लिए। हालांकि मेरे देवता कभी किसी के सामने पैर नहीं छुआते हैं, बट जब मैं फास्ट रखती हूँ ना तो बस उस सबके सामने छू लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरा बेटा भी पैर छूने लग गया देख करके। कहते हैं बड़े जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे ने देख करके पैर छू लिया। बस इस तरीके से उसको कहा था कि चाचू पे भी छुओ, बुआ जी के भी, तो चाचू से और उसकी जो है दोस्ती यारी ज़्यादा है और चाचा भतीजे का रिश्ता थोड़ा कम है, तो बस इसीलिए वो इस तरीके से छू रहा था पैर की बस फॉर्मेलिटी पूरी करी उसने। बुआ के भी छुआ, डैडी यहाँ पे उसके बोल रहे थे कि मैंने नहीं देखा है मम्मी के पैर छूते तो तुम दोबारा छुओ, तो इसलिए वो दोबारा पैर छू रहा था अपने। कथा सुनने के थोड़ी देर के बाद जो है जूतियाँ मम्मी ने मेरा वाला मेरे बेटे को पहना दिया और मम्मी ने अपना वाला अपने बड़े बेटे को पहनाया। उसके बाद फिर बारी बारी से मम्मी अपने तीनों बच्चों को पहना देगी और मेरे बेटे वाला उतार के मैं पहन लूँगी। बस इस तरीके से हम लोग कथा करते हैं। ये आपने क्या पहना है दिखाओ ना, एक बार दिखाओ ना, प्लीज़ दिखा दो। ये क्या ही है ये मेरा क्यों पहना आपने? मैंने 15 दिन मुझे मजा आता है। मजा आता है? मैं आपको कहता हूं ना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए फास्ट रखा है। मैंने बोला था आप किसी और, क्यों सुन नहीं रहे? आप इधर आओ ना, आज मैंने आपके लिए फास्ट रखा है। हां इसकी वीडियो बना बनाना, लो इसकी भी वीडियो बना दे। देखो इसकी आई जाती है ना, 15 दिन वाला है बस इसके ऐसे कर ऐसे। हां और क्या, अब मुझे भी तो दिखा दो। आप भूल जाते हो क्या शादी का? 15 दिन के बाद बताओ ना, मैंने आपके लिए फास्ट रखा है। ताकि आपको बुद्धि हो, बुद्धि साल होगा चलते शैतानी इतनी जो करते हो ना, शैतानी कब क्या करो?